बेनीगंज स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर नगर निगम चुनाव के दृष्टि से भाजपा के महानगर वार्ड के चुनाव प्रभारी व चुनाव संयोजक की संयुक्त बैठक भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय अध्यक्ष MLC डॉ. धर्मेंद्र सिंह एवं वरिष्ठ अतिथि लालगंज के पूर्व सांसद एवं महानगर की प्रभारी नीलम सोनकर उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर वंदे मातरम गीत के उद्बोधन के साथ की गई, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष MLC डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को विकास के मामले में मॉडल बनाकर मिसाल कायम किया है। उन्होंने अपने कर्मठता और ईमानदारी की बदौलत गोरखपुर का नाम देश और दुनिया में रोशन किया है। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ की धरती है, ऐसे में योगी जी का मान सम्मान बढ़ाना हर भाजपा कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। ऐसे में अब यहाँ के भाजपा कार्यकर्ताओं को नगरीय निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलाकर मिसाल कायम करना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि प्रत्याशी चयन में पार्टी पदाधिकारी ईमानदारी दिखाते हुए जो कार्यकर्ता जिताऊ हो उसे मौका दे। इस अवसर पर महानगर चुनाव के संयोजक चिरंजीवी चौरसिया, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विश्वजीतांशु सिंह, महामंत्री देवी श्रीवास्तव, अच्युतानंद शाही, इंद्रमणि उपाध्याय, ओम प्रकाश शर्मा, ब्रजेश मणि मिश्रा, दयानंद शर्मा, पद्मा गुप्ता, श्वेता श्रीवास्तव, अनुपम पांडे, सूर्य प्रकाश शर्मा, अजय मणि त्रिपाठी, आनंद अग्रहरी, शिवम पांडे सहित महानगर के पदाधिकारी एवं मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष MLC डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने कहा, सामूहिक वंदे मातरम के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भारतीय जनता पार्टी की जो गोरखपुर के महानगर के एक एक कार्यकर्ताओं को सीधे अपने नाम से जानते हैं, ऐसे हम सभी के लोकप्रिय नेता गोरखपुर क्षेत्र के गोरखपुर महानगर की प्रभारी, प्रदेश की उपाध्यक्ष बड़ीवान श्रीमती नीलम सोनकर जी भी उपस्थित हैं। आपका भी इस बैठक में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। नेता पूर्व महानगर के अध्यक्ष आदरणीय राधे श्याम श्रीवास्तव जी भी उपस्थित है, आपका भी इस बैठक में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नगर निगम चुनाव की दृष्टि से चुनाव संयोजक के रूप में आप कार्य देख रहे हैं। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष जी भी उपस्थित हैं, आपका भी इस बैठक में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस बैठक में गोरखपुर क्षेत्र के लोग सभी सुझाव लगातार हम सभी को देते रहते हैं और खासतौर पर गोरखपुर महानगर में क्षेत्र की तरफ से जी की अध्यक्षता में क्षेत्र की भी बैठक संपन्न हुई, उसके परिप्रेक्ष्य में आज महानगर की यह बैठक हो रही है। निश्चित ही केंद्र और प्रदेश से जो दिशा निर्देश मिले हैं, अभी हम सबके नेता आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का श्रेष्ठ मार्गदर्शन हम सभी को मिलेगा कि आगे हम सभी संगठन के लिए कैसे मंडल बैठक को जिला प्रभारी देना इनको लेना। क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के साथ साथ जिला के प्रभारी का भी श्रेष्ठ मार्गदर्शन हम सभी को मिलेगा कि आगे हम सभी को क्या क्या काम करना है संगठन की दृष्टि से और इस निकाय चुनाव की दृष्टि से जो बहुत ही महत्वपूर्ण हम सभी के सामने निकाय चुनाव है। सभी वार्डो में निश्चित ही बहुत उत्साह है और हमारा नेतृत्व यहाँ मंच पर विराजमान है। निश्चित ही आप सभी के बदौलत ये भरोसा भी दिलाते हैं कि जितना उत्साह गोरखपुर महानगर में है और पूज्य महाराज जी ने जितना काम किया है गोरखपुर महानगर में, जब जब आते हैं 100-100, 200-200 करोड़,
दे के जाते हैं गोरखपुर को। नीति जी पूरे गोरखपुर में एक बहुत ही शानदार माहौल इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना है। निश्चित ही हम सभी इस निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में हमारी विगत दिनों पहले राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक नई दिल्ली में हुई थी, और जब भी राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक या राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक होती है तो उसके बाद प्रदेश, क्षेत्र और ज़िले, इस क्रम में बैठकें होती हैं। विगत पिछले 11 दिसंबर को उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई थी, जिसमें सभी जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी उन बैठकों में गए थे। उसके बाद अभी कल हम लोगों ने क्षेत्र की बैठक की है, और आज से सभी जिलों की बैठकें प्रारंभ होंगी हुई हैं। अभी तक हम लोग उसी के क्रम में आज गोरखपुर महानगर की भी ये बैठक चल रही है। अभी तक हम लोगों ने नगर निकाय चुनाव में क्या तैयारी की है और आगे हमारी क्या कार्य योजना है, हमारे मंडल सक्षम कैसे होंगे, हमारी बूथ कमेटियां सक्रिय कैसे होंगी, मन की बात को कैसे ठीक ढंग से सुन सकेंगे, आगे के जितने एजेंडे हैं और विशेष रूप से नगर निकाय चुनाव पर हम फोकस करके इस बैठक को कर रहे हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 3-4 दिनों के अंदर सभी जिलों में कार्य योजना की बैठकें संपन्न हो जाएंगी, उसी की तारतम्य में आज की ये बैठक हो रही है। आज की बैठक काफ़ी अहम है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, कुछ इसमें निर्देश दिया जाए? सामान्यतः सभी जनपदों में जो हमारे जिले की पूरी टीम है, मंडल अध्यक्ष हमारे हैं, हमारे मोर्चों के जिलाध्यक्ष हैं, हमारे निकायों के प्रभारी संयोजक हैं। गोरखपुर महानगर में चूँकि नगर निगम है, इसलिए हमारे वार्डों में भी, हमारे वार्ड के भी प्रमुख लोग यहाँ आए हैं, इसलिए सभी 80 वार्डों के प्रमुख कार्यकर्ताओं को भी इस बैठक में बुलाया गया है। क्या कुछ इन्हें आज निर्देश दिया जाएगा या अभी तक एक बार हम लोग अभी तक नगर निकाय चुनाव में हमारे प्रदेश से प्रभारी और संयोजक नियुक्त हैं, उन लोगों ने क्या क्या काम किए हैं उसकी थोड़ी समीक्षा होगी और आगे की पूरी कार्ययोजना के बारे में विस्तार से इस बैठक में चर्चा होगी। कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यपद्धति के, एक वर्किंग सिस्टम के आधार पर काम करती है, और इसलिए हम लोगों ने बाकायदे पूरे प्रदेश में प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी अलग बनाई है, क्षेत्र की स्क्रीनिंग कमेटी अलग बनाई है, जिला की स्क्रीनिंग कमेटी अलग बनाई है, नगर निगम और नगर निकायों की स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है, और सामूहिकता के आधार पर हमारे निकाय के प्रभारी, संयोजक, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, सांसद, विधायक सब मिलकर के सामूहिक आधार पर, हमारी प्राथमिकता में कार्यकर्ता है लेकिन जीतने वाला, इन दो को आधार बना करके हम एक हर जिले में, हर वार्ड में या हर निकाय में एक 3-4 नाम का पैनल बनाएंगे, और उसी को पैनल को हम प्रदेश में भेज करके उसी के आधार पर चयन प्रक्रिया को पूरा करेंगे।